वीनस के ऊपर से, ध्यान से सुनना, वीनस क्या है? पैसा। वीनस इज मनी, सिंपल। कहां बैठा है, क्या बैठा है, छोड़ दो, वीनस इज मनी। वीनस के ऊपर से जब टॉरस की राशि है, अगर टॉरस में वीनस है और उसके ऊपर से अभी राहु गुजर रहा है, सितंबर 24 को आया है, ठीक है, तो वीनस को एक्सपैंड कर देगा, पैसा बढ़ा देगा, ठीक है, कहीं ना कहीं पैसे की एक्सपेंशन कर देगा। लक्ष्मी है ना वीनस, उसको बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। यस सर, मुझे मिल शुक्र मिल गई। गया। हाँ, क्योंकि है ना, मेरे हाउस में बोलती हूँ, मैं 8th में है, और हम लोगों को ससुर ने ना थोड़े गहने किए थे इसे। मेरा भी बना, आई बनेगा ही एग्री। बनेगा। मेरा भी सेकंड राशि वीनस बैठा है, लेकिन हाँ मुझे नहीं कोई पैसा वैसा मिला, उल्टे मेरे खर्चे अच्छा, बहुत हो रहे हैं। मुझे कह रहे तो मेरा एक आर भी या जा भी रहा। नहीं, जब आप टोटल देखोगे ना, 18 महीने का स्पैन, अभी सितंबर से शुरू हुआ है, सितंबर से शुरू हुआ है, 18 महीने तक रहने वाला है। मैं भी आ जब ये गया है, 18 महीने पार हो जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका बैलेंस कितना इंक्रीज हुआ। एसेट्स बन जाती है, पता नहीं चलता। कहीं ना कहीं कोई ना कोई एसेट क्रिएशन होगी जो पैसे से होती है, 100% होगी। इसीलिए कह रही हूँ वर्क शुरू कर दे तो पता मेरा चलेगा ना, हाथ में आएंगे। ठीक है। तो ये इसमें टॉरस इसमें भी आ गया है। चॉकलेट इस वाली थ्योरी में सबसे बेस्ट पार्ट यही है, कोई में सिमी मिल रहे हैं मुझे, 8th में रहेगा। हाँ ऑकल्ट 8th हाउस का है, कोई दशा नहीं देखनी, कोई पत्री नहीं देखनी, कौन सा भाव है वो नहीं देखना, सिर्फ गोचर देखना। और इस क्लास के खत्म होते होते तक आपको इतना सिखा दूंगा कि इस साल आपके साथ क्या होने वाला है। सर एक बात, अभी जो आपने वीनस वाला बोला, तो हम उसमें वीनस कौन से राशि के साथ बैठा है उस हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। देखो, वो ये डिसाइड करेगा कि वीनस कितना पावरफुल है। मान लो वीनस, सुनो, बहुत अच्छा सवाल किया। वीनस अगर फ्रेंडली बैठा है कहीं, तो फिर पैसा अपरंपार करेगा, ठीक है। लेकिन वीनस अगर डिस्टर्ब्ड पोजीशन में बैठा है, अच्छी पोजीशन में नहीं है, वो अनकंफर्टेबल जोन में बैठा है, तो वो उतना नहीं बढ़ा पाएगा। वो तो अपने घर पे बैठा है ना, वीनस दो दो राशि वीनस की होती है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। एक चीज हम भूल जाते हैं, वीनस ये सिद्धियां भी देता है। सिद्धियां सिर्फ वीनस से आती हैं, बृहस्पति से नहीं आती। बृहस्पति से ज्ञान आता है,